हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। और आज है जून की 9 तारीख। और दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे पौधे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपने गार्डन में, जो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा आप अपने गार्डन में लगाइए अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए। और ये परमानेंट प्लांट्स हैं, चाहे फूलों वाले पौधे हैं, पर ये परमानेंटली आपके घर पर ग्रो करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला पौधा दोस्तों जो हमारे पास है, ये है यूफोर्बियम मिलिका। ये दोस्तों बहुत अच्छे फूल देता है। और सबसे बढ़िया बात है कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है पर फिर भी आप इसके फूल देख सकते हो। इसके ऊपर 1% मुझे डिफरेंस नहीं दिख रहा है, इसके फूल बहुत अच्छे से आ रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि हमारे पौधे पे जो इस पे फूल आते हैं तो गुच्छों में आते हैं। एक ही आप देख सकते हो, ये निकली है कली एक तरह की, और इसमें आप देख सकते 10-12 फूल इकट्ठे हैं और इधर साइड भी हैं। और देखा जाए इधर भी न्यू निकल रहे हैं और कुछ पुराने हैं जो जा रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों जो हमारा ये वाला पौधा है, ये बहुत अच्छा एक फ्लावरिंग प्लांट है। आप इसको ज़रूर लगाइए, जितनी चाहे मर्जी गर्मी हो, चाहे आप कोई भी कोने में इंडिया में रहते हो तो वहाँ पे भी ये अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो ये पौधा यूफोर्बियम मिलिका आप ज़रूर लगा सकते हैं। ऐसे पौधे बहुत कम देखे जाते हैं जो 12 महीने फूल देते हैं। उनमें से दोस्तों एक है बोगनविलिया का पौधा। अगर आप मुझसे पूछो तो 1 महीने में ये हमेशा फूल देता ही है। जैसे आप मान लीजिए अभी इसके फूल झड़ जाएंगे, 15 दिनों बाद इसके ऊपर नई कलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। फूल दोस्तों इतने इसके बढ़िया कलरफुल आते हैं। और जितनी चाहे मर्जी गर्मी हो, इस बार टेम्परेचर आप सभी को पता है कितनी ज़्यादा ऊपर है, जिसके कारण हमारे काफ़ी सारे पौधे हैं जो ख़राब हो रहे हैं। पर ये जो आप पौधा है पूरी धूप में रखा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक इसको धूप आती है। इसके पत्तों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा धूप में भी ये हरा भरा रहता है। अभी आपको 2-4 पौधे इसके और दिखाता हूँ जो मेरे पास अभी फूल के खिले ही हैं, पर अभी दोबारा से वो खिलने शुरू हो गए हैं। ये देखें दोस्तों, ये अभी मैंने इसकी प्रूनिंग भी नहीं की है, पर इस पर नए नए जो फूल हैं वो भी आने लग गए हैं। ये सभी जो फ्लावरिंग है जब बड़ी होगी तो और ज़्यादा इसमें ब्राइट कलर्स आएंगे। तो आप देख सकते हो जो बोगनविलिया का पौधा है हमारा, बहुत ही ईजिली ग्रो होने वाला पौधा है। आपको एक और पौधा मैं दिखाता हूँ, ये देखें इसमें भी अभी जो फ्लावरिंग है दोबारा से आने लगी है। मैंने इसकी प्रूनिंग की थी थोड़ी बहुत, जिसके कारण जो हमारा पौधा अभी अच्छे से ग्रो होने लग गया है। तो वैरायटीज़ बोगनविलिया की बहुत सारी आती हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छे फूल देते हैं। और ये है दोस्तों हमारा तीसरा पौधा, इसका नाम है लिसियांथस। लिसियांथस के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है, और पिछले साल मैंने इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया अलग वीडियो बनाई थी, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी गर्मी हो जाए उसमें ये फूल देता है। अभी जैसे मई का महीना ख़त्म हुआ है तो उसमें इसके ऊपर बर्ड्स आई थी और कुछ पौधे उनके ऊपर फूल खिल रहे हैं, ये अभी फूल स्टार्ट हुए हैं खिलने। तो ये दोस्तों जो फूल देता है मई से लेकर जुलाई एंड तक अच्छे से देता है, उसके बाद इसकी ग्रोथ रहती है। अगर दोबारा से आते हैं तो फूल अगस्त में आते हैं। तो आप इस पर ज़रूर जो पौधे को लगाइए अगर आपके पास पौध है या फिर आपके पास बीज पड़े हैं, और अगस्त एंड में ये दोबारा से भी फ्लावरिंग कर देता है। लिसियांथस को दोस्तों मैंने ज़्यादा बड़े गमले में लगा लिया है, इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा आप 8 इंची से बड़ा गमला इसके लिए ना लें, और उसमें ही ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। एक और चीज़ है, जब इसके पौधे की जो हाइट छोटी रहे, यहाँ से आप पिंचिंग कर देंगे, पौधा बुशी हो जाएगा और घना पौधा है, ज़्यादा फूल भी निकाल सकता है। तो आप लिसियांथस का पौधा भी ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। और ये है दोस्तों हमारा अगला पौधा, इसका नाम है विंका। बहुत सारे लोगों के पास ये पौधा होता होगा क्योंकि इसमें देसी वैरायटी है, सभी जगह बहुत ही आसानी से लग जाती है। ये दोस्तों हाइब्रिड वैरायटी है जो मैंने बीज से ग्रो की है, और इस पर आप फूल देखें बहुत अच्छे और ब्राइट कलर के आते हैं। इसके हालांकि जो पत्ते हैं नीचे वाले पीले हुए पड़े हैं, इसका ये कारण है कि मैं एक दिन इसको पानी अच्छे से देना भूल गया था और एक दिन के कारण इसके पत्ते पीले हो गए हैं। पर ऊपर आप देख सकते हो फॉयलेज ग्रीन है और फूल अच्छे से आ रहे हैं। अगर आप बिगनर हो और आपको समर में ज़्यादा अच्छे फूल चाहिए तो आप इस पौधे को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और साथ में अगर आप इस पौधे को ऐड करें तो फंगीसाइड है या फिर आपके पास जो हल्दी पाउडर है उसका आप 1/2 चम्मच जो 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने पौधे के ऊपर स्प्रे कर दीजिएगा 15 दिनों बाद फॉयलेज के ऊपर या स्टेम के बीच में, जिसके साथ इसमें फंगस नहीं लगेगी क्योंकि इस पर फंगस का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप विंका का पौधा भी ज़रूर लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है। चाहे आप इसकी पौध लेकर आएँ, आप इसके बीज भी सेव करके नेक्स्ट ईयर उगा सकते हैं, और कटिंग से भी ये आसानी से लग जाता है। और ये है दोस्तों हमारा अगला पौधा, इसका नाम है चांदनी का पौधा। इस पर दोस्तों बहुत छोटे छोटे वाइट कलर के फूल आते हैं, पर इकट्ठे खिलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। पहले एक बार इस पर फूल आए थे अभी, पर दोबारा से अभी शायद आएंगे जब इसकी ग्रोथ बहुत
कम थी, अभी जब फूल निकलने के बाद इसकी ग्रोथ बहुत शुरू हो गई है। अभी दोस्तों जब इस पे फूल आएंगे वीडियो में बनाऊंगा, पर ये जो पौधा है बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसको मैंने इसलिए इस वीडियो में ऐड किया है क्योंकि ये एक तरह का अफोर्डेबल भी प्लांट है। मुझे सिर्फ 20 रुपये का एक पौधा इसका मिला था और लास्ट ईयर मैं लेकर आया था। इस बार इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया से हुई है, पूरी धूप में रहता है, इसको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती है और हमारा जो पौधा है बहुत अच्छे से जो अपनी ग्रोथ कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसकी थोड़ा सा एक महीना और ज़्यादा ग्रोथ हो, उसके बाद इस पर फूल आए, वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा। तो सफ़ेद रंग के इसको फूल आते हैं, आप इसको भी ऐड करें, पर आप इसकी ग्रोथ फूलों के अलावा भी देखें कितने ज़्यादा इसके ग्रीन पत्ते निकलते हैं। एज ए परमानेंट प्लांट ये पत्तों के लिए भी आप लगा सकते हैं, हेजिंग के लिए लगा सकते हैं, बहुत अच्छे पौधे रहते हैं। और इसमें जो ग्रोथ है उसमें आपको फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट फर्टिलाइज़र ये जो बहुत अच्छे से आपके घर पर बढ़ता रहेगा। तो यही थी दोस्तों वीडियो, इस वीडियो में मैंने आपको जो पौधे बताए हैं तो आप ज़रूर लगाएं, और साथ में ये मेरे कुछ जो अपडेट है जो विंटर प्लांट्स हैं अभी कैसे चल रहे हैं, ये सब सभी की जो ग्रोथ है अच्छे से चल रही है। कुछ पौधे पीले पड़े हैं ज़्यादा गर्मी की वजह से, और कभी कभार पानी कम ज़्यादा हो जाता है जो नॉर्मल हर एक से हो जाता है काफ़ी बार, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ इनको सही रखूँ। अगर आपके पौधे भी थोड़े बहुत जो पीले हैं तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये दोबारा से सही हो जाते हैं जब नए पत्ते निकालेंगे। तो ये वीडियो में अगर आपको कोई और चीज़ के बारे में जानना था, मैं अगर बता नहीं पाया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।